मैं पढ़ रहा हूँ सेक्शन 24 और वो पॉइंट पढ़ रहा हूँ जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट को देखे बिना अपने को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर वन मैं पढ़ चुका हूँ, अगर मेरे को इंटरेस्टेड सप्लाई है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरत है, बट सिवाय दो पॉइंट के। पहला पॉइंट ने सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर को एग्जेम्पशन दिया कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से नीचे या 10 लाख से नीचे है तब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा दिया जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर प्रोवाइडिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, नोटिफिकेशन नंबर 7 है जो कि 14 सितंबर को आया था। जॉब वर्कर अगर इंटरेस्टेड सप्लाई प्रोवाइड करता है टू ए रजिस्टर्ड पर्सन तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें तो उसको लिमिट को भी देखना नहीं है। अगर कोई जॉब वर्कर है और अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है प्रिंसिपल अगर उसके लिए सप्लाई करता है तो देन ही इज एग्जेम्प्ट टू टेक द रजिस्ट्रेशन। तभी आप देखोगे तो जो रूल नंबर 138 ईवे बिल का एक रूल है, ईवे बिल का अगर एक रूल है वहां पे पॉइंट नंबर 4 में जाओगे तो वहां पे देखना कि जब प्रिंसिपल जॉब वर्कर को माल बेचता है या जॉब वर्कर प्रिंसिपल का जब माल बेचता है तो वहां पे बिना लिमिट भी ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। नॉर्मली 50,000 लिमिट है, बट अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल है तो वहां पे आपको ईवे बिल मैंडेटरी हो जाएगा इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि जॉब वर्कर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ता हूं सर, पॉइंट नंबर 2, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है और वो टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था। एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 32 में, गवर्नमेंट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाई द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अगर वो सप्लाई करता है ठीक है तब उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 32 जब खत्म होता है तो उसके नीचे एक अनेक्षर दिया हुआ है, उस अनेक्षर में दिया हुआ है कि वो लिस्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या है। तो मैंने पहला पॉइंट पढ़ा कि इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई, उसमें दो एग्जेम्पशन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो आदमी फॉर द टाइमिंग बिजनेस करता है। मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है बट मैं क्या करता हूं, दिल्ली में प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करता हूं। मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं हूं राजस्थान का, पर मैं दिल्ली आता हूं और ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करता हूं। देन गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आपको मैं एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करूंगा जो सिर्फ 90 दिन के लिए वैलिड होगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आप अपना काम करो, बेचो, कंप्लीट करो, देन आप चले जाओ। उस केस में मेरे को पूरी पूरी साल कंप्लायंस नहीं करनी है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ूंगा तब भी बताऊंगा, पर अभी बता देता हूं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में उसको कैलकुलेट करना होता है कि उसकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है, उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा वो टैक्स रजिस्ट्रेशन के पहले डिपॉजिट करना होगा, देन गवर्नमेंट विल ग्रांट द रजिस्ट्रेशन। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन तो लेना होगा, पर अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में आता हूं, पर्सन वो आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सर ये बहुत बहुत डीप पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप रिसिपिएंट हैं और अगर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है, देन अगर आपकी टर्नओवर भले वो 20 लाख से ज्यादा ना हो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर पॉइंट समझिएगा, मैं बोलता हूं रिवर्स चार्ज में कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, लाइक एडवोकेट। जब मैं एडवोकेट से सर्विस लेता हूं तो देन रिसिपिएंट नीड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, इवन दो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपए नहीं है तब भी। एम आई करेक्ट? ये तो नॉर्मल बात हुई। अब मैं बोलता हूं अगर ऐसा होता, सपोज मैं इंडिविजुअल आदमी हूं,
मेरे को कोई भी लीगल मैटर के कारण मेरे को एडवोकेट की सर्विस लेनी पड़ी, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसे तो हर आदमी रजिस्ट्रेशन लेना का। तो ये बला कि अगर एडवोकेट इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता सर्विस, देन उसने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया जिसमें उसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला है। दैट इज द रीजन कि वो इंडिविजुअल आदमी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को पढ़ के छोड़ता हूं यहां पे, तब मेरे को ये समझ में आता है कि पर्सन वो रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्सर्स हैज टू टेक द रजिस्ट्रेशन। मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूं। अब रिवर्स चार्ज में दो सेक्शन थे, बताएंगे सर कौन से दो सेक्शन थे जिसको बात ओके कुछ रिवर्स चार्ज बंद हुआ है फॉर द टाइमिंग सर? रिवर्स चार्ज अभी है आज की तारीख में? नहीं, वो तो आफ्टर 31 मार्च इट इज स्टॉप्ड। अप टू 31/18 रिवर्स चार्ज हैज बीन एबोलिश्ड। वैसे तो मैं रिवर्स चार्ज की क्लास में टच करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं रिवर्स चार्ज दो कैटेगरी में डिवाइड था। अगर मैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बात करता हूं और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की बात करता हूं, देयर आर टू सेक्शंस, एक तो सेक्शन 93 था, एक 94 था। 93 क्या था? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट की सर्विस, एडवोकेट, ये सब कहां कवर है? 93 में। और 94 में क्या कवर था? अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई लेता है और अगर वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, देन उस रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज के अंदर में उसे टैक्स पे करना होगा। तो जो हटाया है, जो 13 अक्टूबर 2017 को जो नोटिफिकेशन आया था और जिस रिवर्स चार्ज को हटाया, वो 94 वाला है, 93 स्टिल देयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज आज भी है और आपको टैक्स जमा करवाना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब मैं आता हूं वापस अपने मेन पॉइंट में। मैं सेक्शन 24 पढ़ रहा हूं, इस यहां पे क्या रिलीवेंस है? यहां पे ये रिलीवेंस है कि पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हैज टू टेक द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब आगे बढ़ता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सप्लाइंग द सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बोलता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और जो सप्लाई कर रहा है ऐसी सर्विस की जो कि नोटिफाई है 9.5 में, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है 9.5 क्या है? 9.5 क्या बोलता है? 9.5 ये बोलता है गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द नोटिफिकेशन कुछ कैटेगरी ऑफ द सर्विस आइडेंटिफाई कर सकती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई। इंटरेस्टेड सप्लाई में कुछ सर्विस को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ये बोल सकती है इसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, ना कि सर्विस प्रोवाइडर की। देन इन दैट केस वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, इन दैट केस उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैं बात रिपीट करता हूं, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ऐसी सर्विस दे रहा है जो कि नोटिफाई है 9.5 में, 9.5 क्या बोलता है? 9.5 ये बोलता है कि गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द नोटिफिकेशन कुछ एक सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके ऊपर टैक्स पे करेगा कौन? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इन दैट केस उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई करता है उसे रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। उसके बाद में सेक्शन 51 वो जो टीडीएस वाला है, ऐसे बंदे जिनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, अभी तो फिलहाल 31 मार्च तक तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर मैं टीडीएस मेरे को काटना पड़ेगा, अगर मेरी टर्नओवर 20 लाख के नीचे है बट टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल है, तब मुझे जीएसटी में अप्लाई करना होगा। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलता है कि पर्सन वो मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज। मतलब भले मैं एजेंट के रूप में हूं या कोई भी रूप में हूं, अगर मैं किसी पर्सन के बिहाफ पे कोई माल सप्लाई कर रहा हूं तब मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए प्रिंसिपल टू एजेंट नॉर्मली ये एग्जेम्प्ट होता है,
प्रिंसिपल टू एजेंट नॉर्मली ये एग्जेम्प्ट होता है, बट जीएसटी में ये चेन टैक्सेबल है। अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल बेचता है, बेचता नहीं है, भेजता है, वो सेंड करता है, उस केस में भी उसे जीएसटी के लिए अप्लाई करना होगा उस एजेंट को। राजीव जी क्लियर है? क्लियर। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो आईएसडी क्या होता है, मान लो मेरी हेड ऑफिस दिल्ली में, पर मेरी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लो एक आसाम में और एक हरियाणा में है। दिल्ली में मेरा सिर्फ हेड ऑफिस है, कोई भी सप्लाई नहीं होती, तो क्या होगा, मेरा जो ऑफिस का बिल्डिंग है उसका रेंट होगा, उसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूंगा। मेरी हाउसकीपिंग सर्विस है उसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूं, ऐसे बहुत सारे आइटम है जिसके ऊपर मैं जीएसटी पे करूं, क्योंकि वहां तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है नहीं। तब वो क्या मेरा जीएसटी लूज हो जाएगा? आंसर इज नॉट। वो जीएसटी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ट्रांसफर कर सकते हो बाय वे ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो दिल्ली मेरा हेड ऑफिस है उसको आईएसटी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा एंड देन उसको सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देयर इज ए सेपरेट चैप्टर, उसमें हम आईएसटी की डिटेल में बात करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या इनवॉइस बनाने होंगे वगैरह वगैरह। आज का लास्ट पेज है मेरा ये। एक बात हुआ टीडीएस का जो सेक्शन 51 में है, अब बात करता हूं मैं टीसीएस की, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो सेक्शन 52 में है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, अगर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है तब भी उस पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एक नोटिफिकेशन नंबर 65 भी बता देता हूं मैं आपको। अगर आप पहले क्या था, अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तब इवन दो अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है तब भी आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना था, बट नोटिफिकेशन नंबर 65 15 नवंबर को आया, उसमें लिखा गया कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सप्लाई कर रहे हो बट आपकी टोटल टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है 20 लाख से, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई कॉमर्स एग्रीगेटर है उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर मैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस OIDAR सर्विस देता हूं फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर मैं यहां बैठा हूं, सपोज करो मैं यूएस का, अभी मान लो दुबई में बैठ लग गया और मैं दुबई की कोई ऑनलाइन टैक्सेशन कंपनी की मैं सर्विस यहां पे ले रहा हूं बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, तब ये बोलता है अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और लास्ट वाला पॉइंट तो नॉर्मल है कि कोई भी अदर पर्सन जो कि गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूं, मैं उससे पहले दो या तीन क्वेश्चन पूछता हूं, चैट में आ जाते हैं हम लोग, मैं इसको स्टॉप करता हूं। राजीव जी आपसे क्वेश्चन है मेरा पहला। फाइनल जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है, क्या सर्टिफिकेट, जो फाइनल जीएसटी का सर्टिफिकेट इश्यू होता है उसका फॉर्म नंबर क्या है? REG 25। अभी जी आंसर करेंगे? REG 06। REG 06। तो आपने तीन फॉर्म का, REG 25 था मेरा प्रोविजनल के लिए, प्रोविजनल, या REG 26 क्या था मेरे को इंफॉर्मेशन जो सबमिट करनी है उसके लिए, और REG 06 क्या था फाइनल सर्टिफिकेट। फाइनल सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रेट। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या क्या शामिल होता है? टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अमित जी दूसरा पॉइंट बताइए, सिर्फ एक ही पॉइंट बताएंगे अमित जी आप, ओके डन, उन्होंने तीन पॉइंट बता दिए, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट, चलो डन। चौथा पॉइंट आप बताइए सर।
राजीव जी क्या चीज एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। मैं बोलता हूं कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में पढ़ी थी। हाँ। उसमें कुछ चीजें चार चीजें इंक्लूड थी और दो चीजें एक्सक्लूड थी। हाँ, एक तो एक्सक्लूड है आपको रिवर्स चार्ज वाला एक्सक्लूड है। डन। चैट तो नहीं दिखाई दे रहा आपको? हाँ? चैटिंग चैट दिखाई दे रहा है क्या सर? चैट दिखाई दे रहा है चैट विंडो? नहीं कुछ तो नहीं है। चलो ठीक है तब, ठीक है तब रिवर्स चार्ज एक्सेप्टेबल आंसर। देन नेक्स्ट नेक्स्ट एक आइटम आप इंक्लूड में छोड़ रहे हो, एक आइटम आप एक्सक्लूड में छोड़ रहे हो, कौन आंसर करेगा? एक आइटम आप इंक्लूड में छोड़ रहे हो, एक आइटम आप एक्सक्लूड में छोड़ रहे हो। नहीं चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। सर कुछ लिख रहे हैं, एक मिनट देख लेता हूं मैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो इंटरेस्ट रेट अगर सप्लाई करता हूं अगेंस्ट द सेम पेन नंबर, अगेंस्ट द सेम पेन नंबर अगर मेरी इंटरेस्ट रेट सप्लाई है दैट इज स्टॉक ट्रांसफर, वो मेरी इंक्लूड होगी। और एग्रीगेट टर्नओवर मैं कैलकुलेट करूंगा ऑल इंडिया बेसिस पे। एंड लास्ट जो चीज एक्सक्लूड थी नॉर्मल थी, जीएसटी के पार्ट को मैं एक्सक्लूड करता हूं। कोई भी सीजीएसटी है, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी या कोई सेस है, आईजीएसटी है, उस पार्ट को भी मैं शामिल नहीं करूंगा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में। राजीव जी आपसे एक क्वेश्चन और है। बोलिए। दो पॉइंट बताइए जहां पे मेरे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा विदाउट लुकिंग इनटू द थ्रेशोल्ड लिमिट। सिर्फ दो। फर्स्ट वन इज एनी टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ओके। और एक है आपका थोड़ा सा डिटेल पॉइंट था एक्चुअली, इसमें मेरे को थोड़ा सा और वर्डिंग चाहिए, इतनी वर्डिंग से मेरा पेट नहीं भरेगा। सिर्फ टैक्स आउटसाइड इंडिया नहीं था, एक वो वर्ड था ओ आई डी ए आर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड द डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, वो ही अगर प्रोवाइड करता है टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना तो उसके ऊपर तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए बोलता है अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया की कंपनी में OIDAR की सर्विस देता है और वो जो इंडिया वाला बंदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब उस बाहर वाली कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा, अदरवाइज ये टैक्स की परव्यू से बाहर चला जाएगा ये ट्रांजेक्शन। दो पॉइंट बताइए, क्वेश्चन टफ तो नहीं है? हाँ नहीं, इतना टफ तो नहीं है। 12 पॉइंट पढ़े थे सर, 12 पॉइंट पढ़े थे हमने, 12। बारह पॉइंट बोला था आपने, यस। अरे ये नहीं हो रहा है अभी, 12 पॉइंट था। क्वेश्चन इज द रजिस्ट्रेशन मस्ट, इज़न्ट इट? हाँ, जो सेक्शन 24 में सर्कमस्टांसेस थे जहां पे मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, मेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं देखनी। अमित जी आपकी आवाज आ रही है मेरे को अब क्लियर? अरे आवाज सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप दोनों की आ रही है मेरे को, आप बोल सकते हैं, बताएं। इंटरेस्ट रेट सप्लाई हो तो करना पड़ेगा। करेक्ट, एक्सीलेंट। उसमें दो एग्जेम्पशन थी। हाँ, तो दूसरा है रिवर्स चार्ज अगर हो, सेक्शन 938 के अंडर रिवर्स चार्ज हो। एक्सीलेंट, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ईसीएस हो, टीडीएस, टीडीएस टीसीएस तो करना पड़ेगा। ठीक है। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर हो
तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल परसेंट लेना पड़ेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सारे पॉइंट बोल देंगे सर आप तो। नहीं इतना ही आएगा। इतना ही है सर। सर अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कोई नोटिफिकेशन बता सकते हैं? जो नोटिफिकेशन आज हमने पढ़ा उसमें कोई भी नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन क्या बोलता है? हमने 4 या 5 नोटिफिकेशन पढ़े हैं करेक्ट आज के डिस्कशन में, कोई भी 2 नोटिफिकेशन, और जिस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नॉट रिक्वायर्ड नंबर मेरे को याद हो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली जस्ट कॉन्सेप्ट मालूम चल जाए कि भाई एक नोटिफिकेशन ये था जो ये बोलता था। इंटरस्टेट के लिए एक नोटिफिकेशन उन्होंने लाया था, और ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ऐसे 2 नोटिफिकेशन लाए थे, जिसमें 20 लाख की टर्नओवर की लिमिट उन्होंने रखी थी कि 20 लाख अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है राजीव जी, अब आपको एक एक तो बताना पड़ेगा सर। जम्मू एंड कश्मीर में वो 20 लाख मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए था ना, 10 लाख, बट वो कोई नोटिफिकेशन नहीं था सर। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, वो कोई नोटिफिकेशन सेपरेटली नहीं था, बट हाँ नोटिफिकेशन 10 के अंदर ही एक पार्ट था मेरा, नोटिफिकेशन नंबर 10 में एक पार्ट था कि एक्सक्लूड किया हुआ है। चलो फॉर द टाइमिंग मैं आपको अलाउ करता हूँ, बट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है सर, और कुछ? मेरी तरफ से कंप्लीट आज की क्लास, कल हम वापस 7 बजे, कल नहीं परसों 7 बजे मिलते हैं। ओके परसों 7 बजे। और एक चीज सर थी कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है, वो आज आप बता सकते सर? मैं बताऊं फ्रेंकली, अब मैं अपने बारे में फैक्ट बता देता हूं सर। मैं ऐसा, मेरा ये इनिशियल बैचेज हैं, मतलब मैं एक बैच 2 बैच कंप्लीट कर चुका हूं, दैट वुड बी मतलब नॉर्मल बीकॉम वाले स्टूडेंट थे। ठीक है, तो अब मैं उन्हीं नोट्स को डीपर में जाके मैं अपने प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ आपके साथ में, और मैं उनको डीप में बना रहा हूँ, जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन है वहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे लिए इनिशियली टफ होगा बताना कि मैं कौन सा टॉपिक लूंगा। नहीं अगर नेक्स्ट डे का बताए तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो नॉन कॉमर्स से है, तो हम पहले दोनों डिस्कस करते हैं, और एक बात हो जाएगी कि मेरे भी जो पॉइंट्स है, जो रूटीन पॉइंट्स है वो ठीक है, ये पढ़ने के बाद देखो अगर 10 पॉइंट हो गए तो एक 7-8 मुझे 5 पॉइंट मुझे समझ में आते हैं, 5 पॉइंट नहीं समझ में आते हैं, तो वो भी प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या करना है क्यों, और मेरा डाउट कहाँ पे है। अभी क्या होता है कि ये बहुत पहले पढ़ा था, 2-4 महीने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं प्रिपेयर कर नहीं पा रहा हूँ। अगर एक डे पहले का आप बता देंगे ना, एक दिन पहले बताऊं चलेगा? मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको पहले बता दूं। हाँ, कल क्या होने वाला है तो एटलीस्ट हम रीड कर पाएंगे, और हमारा भी उसके साथ स्टडी हो जाएगा। मेरा पर्पस यही है कि आपके साथ हमारा भी वो टॉपिक खत्म होना चाहिए। जी 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 जी। तब वो जो अभी मैंने बताया कि 10 में से एक 6 पॉइंट मुझे आते हैं, 4 पॉइंट में मैं अटकता हूँ, तो वो डिस्कस होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको एक दिन पहले, मतलब आज का नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है? यस सर, यस सर। सर एंड टुडेस क्लास, आई टोल्ड दैट टुडेस क्लास यू विल सेंड दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यू विल सेंड। हां करेक्ट सर। तो मैं ये जो पावर पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे उसको मैं जस्ट आपको मैं भेज देता हूं। हां ओके ठीक, वॉच। और आपने जो नोटिफिकेशन सर एक्युमुलेट किए हैं वो भी अटैच करूंगा, हमारे पास नहीं है तो इसलिए वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका बहुत यूजफुल हो जाएगा। चलेगा सर, चलेगा। और साथ में मैं नोटिफिकेशन भी अटैच कर दूंगा, ताकि आपको ये रहेगा इस टॉपिक में हमने ये नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसकी लैंग्वेज में मैं साथ में ओपन करके देख सकता हूँ। बराबर, यस सर। तो रिलेवेंट नोटिफिकेशन भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा, 65 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, जो भी मैंने यूज किए हैं। ओके सर, ओके सर। तो अप्रोच तो मेरा यही रहेगा, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। यस यस। ठीक है ना, अभी इनिशियली अपना बैच छोटा है तो डोंट माइंड एट ऑल। नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। गुड नाइट।